हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ब्लाउज़ की जो फिटिंग होती है वो कैसे करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, यहाँ पे मैं बहुत सिंपल तरीके से ब्लाउज़ की फ़िटिंग जो है वो कैसे करनी है वो मैं आपको सिखाती हूँ। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ है, लेकिन जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए बेसिक सिलाई का काम सीख रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। अब देखिए, जब हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करते हैं तब आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। जैसे आपकी जो फिटिंग है वो गलत नहीं होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। जैसे छोटे से ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी, जो छोटी छोटी टिप्स होती है जो समझ में नहीं आती है, और छोटी छोटी गलतियाँ होने पर आपका ब्लाउज जो है वो ख़राब होता है, यानी कि आपकी जो ब्लाउज़ की फ़िटिंग है वो ठीक से नहीं आती। तो एकदम परफेक्ट फिटिंग आने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। जब हम ब्लाउज़ की फ़िटिंग करने वाले हैं तब आपको क्या करना है, जैसे बैक और फ्रंट साइड हम तैयार कर लेते हैं। बैक और फ्रंट साइड तैयार करने के बाद एक यहाँ पे आपको बैक साइड पहले रखनी है, उसके ऊपर आपको फ्रंट साइड रखनी है। उसके बाद फ्रंट और बैक साइड ये दोनों चेक करने हैं साइड के, इसमें कोई कम ज़्यादा तो नहीं है, ये पहले आपको चेक करना है। थोड़ा कम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे हल्का सा आपको कटिंग करनी है, और फ्रंट और बैक साइड जो है वो आपको सेम करनी है। यहाँ के जैसे यहाँ पे नीचे नहीं आना चाहिए, और यहाँ पे भी इस साइड में भी एकदम सेम आनी चाहिए। उसके बाद ये जो स्लीव्स है, स्लीव्स हमारी कम ज़्यादा तो नहीं है, ये आपको चेक करनी है। इससे क्या हो जाता है, कम ज़्यादा होगी तो आपकी ये जो फिटिंग है वो गलत आएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है, और यहाँ पे आपको ये भी चेक करना है, दोनों साइड में आपको इस तरह से करना है। उसके बाद जो बैक साइड होती है हमारी, ये देखिए यहाँ पे हमारी जो बैक साइड आती है, तो बैक साइड में जो है ये बैक साइड का आपको सेंटर निकालना है। सिर्फ आपको बैक साइड का सेंटर निकालना है। बैक साइड का सेंटर हम जब निकालते हैं तब आपको क्या करना है, ये जो हुक की साइड होती है ये बैक के साइड के सेंटर पे, सेंटर के ऊपर आपको रखनी है। तो बैक साइड के सेंटर के ऊपर जब आप रखोगे हुक की साइड, क्योंकि यहाँ पे हुक की जो पट्टी होती है वो अंदर के साइड में फोल्ड होती है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेंटर पे रखना है। सेंटर पे जब रखने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा जो कपड़ा है इस तरह से आपको बाहर के साइड में निकालना है। बाहर के साइड में निकालने के बाद फ्रंट और बैक साइड में जो भी कम ज़्यादा होगा आपको हल्की सी कटिंग करनी है। हल्की सी कटिंग करने के बाद यहाँ पे आपको फ्रंट और बैक साइड जो है वो सेम हो जाएगी। पहले तो हमने चेक किया था फ्रंट और बैक साइड यहाँ पे, और असली उसकी कटिंग हमने चेक की थी, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, हल्का सा ये सेंटर पे रखने के बाद कपड़ा जो है, जो भी आपका बाहर निकलता है, आपको थोड़ा सा हल्का सा कटिंग करनी है। इससे आपकी ब्लाउज जो है वो एकदम परफेक्ट आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्लीव्स का आपको हाफ लेना है। स्लीव्स का आपको हाफ लेने के, जैसे 12 इंच है तो 6 इंच रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाप लेना है हुक की साइड से यहाँ तक जितना आपका आता है चेस्ट का 1/4, उतना आपको चेस्ट का 1/4 रखना है। जैसे 8 इंच हो, 9 इंच हो, तो यहाँ पे आपको एक मार्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको कमर का 1/4 लेना है, चौथा भाग जो है वो कमर का चौथा भाग लेना है। जैसे 7 इंच हो, 7.5 इंच हो, जो भी आपका कमर का, या 6 इंच हो, जो भी आपका कमर का भाग होगा 1/4 भाग, वो आपको यहाँ पे लेना है, 1/4 आपको लेना है। तो यहाँ पे आपको सीधी यहाँ पे आपकी ये सिलाई आएगी। अभी ये हुआ हमारा हुक के साइड का भाग, हुक के साइड की फिटिंग। अब आपको क्या करना है, आई के साइड की फिटिंग देखनी है। आई के साइड की फिटिंग में क्या करना है, जैसे दोनों अलग अलग होता है तो दोनों अलग में थोड़ा सा आपको ठीक से देखना है। अब देखिए यहाँ पे हुक की पट्टी क्या हुई, हमारी अंदर के साइड में फोल्ड हुई, और यहाँ पे आई की पट्टी जो है वो हमारी बाहर के साइड में आती है और एक्स्ट्रा पट्टी रहती है, क्योंकि ये अंदर के साइड में चली जाती है और उसके ऊपर हमारी ये हुक की पट्टी आती है। जैसे हमने ये सेंटर के ऊपर हुक की पट्टी रखी थी, तो ये सेंटर के आगे आपको हुक की पट्टी रखनी है। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटर आता है, सेंटर के आगे आपको ये हुक की पट्टी रखनी है, क्योंकि ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी रहती है। इससे क्या हो जाता है, कभी कभी क्या हो जाता है, सेंटर पे ही आप हुक की पट्टी रखोगे तो आपका जो फिटिंग है वो गलत आएगा, ब्लाउज जो है वो अच्छे से नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमारा सेंटर है, सेंटर के आगे आपको ये हुक की पट्टी रखनी है। तो हुक की पट्टी रखने के बाद आपको क्या करना है, जैसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है यहाँ पे इस तरह से, वो आपको निकालना है।
पहले तो हमने चेक किया था स्लीव्स और ये साइड का पार्ट, तो उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा आता है उसको आपको हल्का सा कट करना है। हल्का सा कट करने के बाद दोनों साइड में हमने जैसे ये इसको कट किया है, कट करने के बाद यहाँ पे आपको हुक की जो पट्टी होती है, आई की जो पट्टी होती है उसको छोड़ के चेस्ट का 1/4 लेना है। पहले स्लीव्स का हाफ लेना है, जैसे 12 इंच आता है तो 6 इंच लेना है, 11.5 इंच आता है तो 5.5 इंच लेना है, जो भी आपका स्लीव्स का हाफ होगा वो आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पट्टी जो है एक्स्ट्रा पट्टी छोड़ देनी है, तो इसके आगे यहाँ से यहाँ तक आपको चेस्ट का 1/4 लेना है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा पट्टी को छोड़ के कमर का 1/4 लेना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। आप 2 या 3 सिलाई लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप करोगे तो आपका ब्लाउज जो है फिटिंग में एकदम परफेक्ट आएगा, इससे कोई गलती नहीं होगी। और जो भी आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी फिटिंग हमारी गलत आ रही है या ब्लाउज़ में कुछ ब्लाउज़ ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो आपकी फिटिंग गलत होगी इसीलिए आपका ब्लाउज जो है वो नहीं बैठता। छोटी छोटी टिप्स रहती है, लेकिन जो नए सिलने वाले होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता है। आप इस तरीके से आप फिटिंग करोगे तो आपका ब्लाउज जो है वो ब्लाउज़ एकदम फिटिंग में परफेक्ट आएगा। आपको कौन कौन सी वीडियो चाहिए आप कमेंट्स करके मुझे बताइए, कौन कौन सी कटिंग चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ये भी मुझे बताइए। और इस वीडियो में आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, तो कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई, फिटिंग या कौन सा नाप लेना कैसे समझ में नहीं आया वो भी आप बता सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, मैं आपको प्रैक्टिकल, जैसे मैंने ये ओरली बताया है तो जो सिलते हैं रोज़ का सिलना करते हैं, ब्लाउज़ का सिलाई काम करते हैं, उनको ये जल्दी से समझ में आ जाता है, लेकिन जो नए सीखते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में। लेकिन मैंने इतना सिंपल तरीके से आपको बताया है, मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।